हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कासगंज कोतवाली के मोहल्ला मोहन बाल्मीकि बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के रहने वाले एक 22 वर्षीय दलित युवक ने पुलिस के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली कासगंज पुलिस मृतक युवक को एक महिला की शिकायत पर तलाश कर रही थी। मौत की खबर मिलते ही अरुण के रिश्तेदार और परिजन घर पहुंच गए और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मां की माने तो मोहल्ले की एक महिला ने उसके बेटे अरुण के खिलाफ बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला कोतवाली कासगंज में दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस अरुण से पूछताछ करने के लिए उसके घर के चक्कर लगा रही थी। फिर क्या था, पुलिस के डर से अरुण ने फांसी लगा ली। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिवार ने मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए पोस्टमार्टम हाउस के गेट पर हंगामा शुरू कर दिया और मृतक के घर की महिलाओं ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया और मृतक अरुण के शव को पुलिस ने सुरक्षा में अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। वो कहीं नहाने गए थे, इन्हें कंप्लेन करी है ज्योति ने और पुलिस को लेकर आई, पूरे मोहल्ले को पता है। अरे मैया, इसी समय इन्हें आके मेरे बच्चा ने कुछ मुझसे कही, मम्मी तुम यहाँ लेट जाओ, मैं इनकी मैं ना लेट होंगी, बेटा तुम यहीं सो मेरे पास, हाँ तुम देखो पुलिस आएगी दोबारा। अरे पुलिस के डर के मारे मेरे बच्चा ने ऐसा कुछ कर लिया, मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा चला गया। न्यूज आई के लिए कासगंज से सौरभ यादव की रिपोर्ट।